There is a policy by the state, uh, central government, and you know all the organisations are are bound to be uh, adhering to this. Just simple statutory provisions, hmm. which says that this act is to be implemented the day any establishment is engaging twenty or more employees. Hmm. Now, uh, what an employer does, or what an, what is expected out of an employer, or what is expected out of an employee. Uh, from this uh, act or all these three schemes, to say, uh, suppose an employee is uh, working in a, in terms of Goa, we can say suppose a person is working in a resort, hmm. and that resort is having uh, twenty-five employees. Total employees are twenty-five, hmm. and automatically, since it is more than twenty, the act is applicable on the establishment.

ना मान लीजिए आप वो रिजॉर्ट है और उसके ऊपर ई पी एक्ट लागू हो गया अब एम्प्लॉयर क्या करेगा एम्प्लॉयर जो है ये सरकार का एक एक्सटेंडेड आर्म है जो एक गवर्नमेंट uh, एक्सपेक्ट करता है वो ये है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी से 12 परसेंट डिडक्ट करेगा और मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से मिलाएगा और ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन ई के पास में जमा होगी हम वो कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर के उसको एज पर स्टेट्यूट जो नॉर्म्स डिसाइडेड हैं उसके हिसाब से हम इसको इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करने के बाद उसमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड जितने भी स्कीम से बेनिफिट हैं वो सब हम उसमें से दे पाते हैं अब जो एम्प्लॉय का बारह आता है एम्प्लॉयी का वो पूरा का पूरा 12 परसेंट एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में चला जाता है एम्प्लॉयर जो 12 परसेंट मिलाता है उसके हम दो भाग करते हैं एक 8.33 परसेंट होता है और दूसरा जो भी उसे मिला जुला पोर्शन बचता है वो तो वो जो 8.33 है वो पेंशन स्कीम में चला जाता है रिमेनिंग जो वो हम प्रोविडेंट फंड में डालते हैं अब ये दो दो हिस्से हो गए अब इसके साथ में हम एम्प्लॉयर से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी लेते हैं टू रन द स्कीम तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं पॉइंट फाइव परसेंट अब एक हमने बताया कि एक स्कीम है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें एम्प्लॉ को तो फायदा होता है इन केस एम्प्लॉयी से मेरा मतलब है जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन है जो उनके नॉमिनीज़ uh, हैं उनको एम्प्लॉय के अनफॉर्चुनेट डेथ पर उनको बेनिफिट मिलता है लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एम्प्लॉय को कोई उसमें प्रीमियम जैसी कोई चीज़ जमा नहीं करनी होती एम्प्लॉयर एक बहुत छोटा सा अमाउंट उसमें जमा करता है और इसका भी कोई हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह भी नहीं लेते 2017 तक हम इसको इंश्योरेंस स्कीम को रन करने के कुछ चार्जेस भी लेते थे अब 2017 के बाद से वो भी बंद हो गया तो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर हमारे पास जमा करता है वो है 12 परसेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और ई के लिए जो छोटा सा अमाउंट है दैट इज़ अगेन पॉइंट फाइव परसेंट वो वो जमा करता है ये पूरा पैसा ले करके हम इसको अपने नियम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और जब वर्कर को पैसों की ज़रूरत होती है तब वो एडवांस के तौर पर उसमें से पी के पैसे में से निकाल सकता है hmm. जब वो किसी दूसरी नौकरी पे जाता है तो वो पैसा हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ जाता है और रिटायर होने के समय यानी जब आप 58 प्लस हो जाते हैं तब तो रिटायर होते हैं तब उस सर्विस के हिसाब से उन पैसों से हम पेंशन देते हैं उसको भी पेंशन मिलेगी उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगी दो बच्चों को पेंशन मिलेगी केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ हम उसके नेक्स्ट इन किन को इंश्योरेंस का बेनिफिट देते हैं पेंशन का बेनिफिट देते हैं पीएफ में जितना है, वो भी से अभी नहीं बनी। so ये मेरे हिसाब से वर्कर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी दोनों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है एम्प्लॉयर को ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है हमने उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत दायरा उसके आसपास बना दिया है ताकि उसको कभी भी किसी इवेंचुअलिटी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े सेम थिंग गोज फॉर द एम्प्लॉय ऑल्सो कि वो भी एक एक तरह से संतुष्ट हो जाता है कि मैं इस इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे लिए मेरे भविष्य की चिंता हो रही है हुँ. जो मेरा एम्प्लॉयर बहुत ईमानदारी से कर रहा है